हाय एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ रोज़ कुकीज़। तो ये है रोज़ कुकीज़ का मोल्ड। और वैसे तो कई सारे डिज़ाइंस आते हैं इस मोल्ड में, तो आप लोगों के पास जो भी रोज़ कुकीज़ का मोल्ड हो वो आप लोग इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। तो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए पहले अभी मैं छिलके लेने वाली हूँ, ये छोटा सा नारियल। और आप लोगों के पास अगर छिला हुआ नारियल है मीडियम साइज़ का तो वो भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन मीडियम साइज़ का नारियल ले रहे हो तो आधा नारियल ले लीजिएगा, या फिर स्क्रैप किया हुआ 1 कप नारियल। तो मैं हमें ना इसमें नारियल का दूध चाहिए, तो इसलिए मैं इस नारियल को अभी छील के ले रही हूँ, और छोटा नारियल काफ़ी है। तो बस अब मैं इसे फोड़ के इसे स्क्रैप करने वाली हूँ। तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो और रेसिपी पसंद आती हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस रेसिपी को शेयर करने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में, ताकि वो इस क्रिसमस में इसे बना सके। तो बस मैं भी इसे बना रही हूँ, तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। तो मैंने अभी कोकोनट को देखिएगा मैंने स्क्रैप कर लिया है, और अब हमें इसे दरदरा पीस लेना है। तो मैं अभी पानी भी ले रही हूँ, मिक्सर जार भी मैंने रख दिया है, और ये जो स्क्रैप कोकोनट है तो इसे हम लोग डाल देंगे इस मिक्सर जार में। आप लोग चाहो तो रेडीमेड जो कैंड कोकोनट मिल्क आता है ना वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है 300 ml पानी इसे पीसने के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ, और बाकी का पानी जो है वो बाद में डालूँगी, क्योंकि फिर ये मिक्सर से बाहर आ जाएगा ना, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला है अभी मिक्स कर इसे पीसने के लिए। तो बस अब हमें इस नारियल को दरदरा पीस लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। आप लोग चाहो तो थोड़ा गुनगुना पानी ले सकते हो। तो अभी मैंने इसे दरदरा पीस लिया है, तो इस तरह से पीस लेना है, बारीक नहीं करना है। और ये जो बाकी का पानी है तो वो भी मैं भी इसमें डाल रही हूँ, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और मैं अभी ये मेजरिंग जग ही यूज़ कर रही हूँ, इसमें ही मैं निकालने वाली हूँ ये कोकोनट मिल्क नारियल का दूध, क्योंकि मैं आप लोगों को मेजर करके बता सकूँ कि ये नारियल का दूध कितने में, मतलब कितना हो गया है। तो इसे हमें अच्छे से इस तरह से निचोड़ के लेना है इस नारियल को, और देखिएगा कितना अच्छा हमारा भी नारियल का दूध तैयार हुआ है। तो इस नाप के हिसाब से नारियल का दूध है 320 ml, और ये पूरा हमें नारियल का दूध जो है इस रेसिपी में यूज़ नहीं करना है, बस जितना इसमें ज़रूरत होगी उतना ही हमें यूज़ करना है। तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने लिया है मेजरिंग कप्स, और अगर आप लोग कप मेजरमेंट के हिसाब से इस रेसिपी को बनाना चाहते हो तो वो आप लोग बना सकते हो, या फिर ग्राम के हिसाब से। तो जैसे भी आप लोगों को इजी लगता है तो उस हिसाब से आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो फ़िलहाल अभी मैंने पहले लिया है ये मैदा, और हमें इस रेसिपी में अभी चाहिए 1 कप मैदा। तो हमें इस तरह से उंगलियों से इस मैदे को अच्छे से ऐसे दबा के लेना है, और जितना भी मैदा इसमें आता है तो उतना हमें इसमें डाल देना है, और ऐसे हमें हल्के हाथों से दबाते रहना है। तो बस ये अभी हो गया है हमारा 1 कप मैदा तैयार। तो अभी चलते हैं दूसरी सामग्री पे, वो है चावल का आटा। तो चावल का आटा हमें 1/4 कप चाहिए। तो चावल के आटे को भी हमें उसी तरह से इसे हाथों से दबा के इसे भर लेना है। तो ये हमारा हो गया है 1/4 कप चावल का आटा। तो अब चलते हैं हम लोग ये तीसरी वाली सामग्री पे। तो ये है शक्कर, और ये है 1/3 कप शक्कर। तो अब मैं आप लोगों को नाप के बताने वाली हूँ कि ये कितने ग्राम में है। तो पहले मैं अभी नाप के ले रही हूँ ये मैदा। तो 1 कप मैदा 145 ग्राम है, 145 ग्राम्स। और अब मैं इस मशीन को फिर से कर रही हूँ ज़ीरो, और अब नाप के ले रही हूँ चावल का आटा। तो इसे मैं डाल रही हूँ इसमें, और चावल का आटा है 45 ग्राम, 45 ग्राम्स।
तो इसे अब रख देंगे साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक अंडा और हमें सिर्फ आधा अंडा चाहिए। तो पहले हमें इस अंडे को ऐसे हल्के से मिक्स कर लेना है। तो इसे नाप लेते हैं पहले। तो आधा अंडा ही मैं इसमें डालने वाली हूँ, या फिर आप लोग करीबन आधा अंडा लीजिएगा अगर आप लोग कप मेजरमेंट से बना रहे हो, और अगर आप लोग ग्राम के हिसाब से बना रहे हो तो आप लोग लीजिएगा 20 ग्राम अंडा, ठीक है ना। तो अभी मैं शक्कर मेजर करके बताने वाली हूँ कि कितना ग्राम में है। तो शक्कर मैंने यहाँ पे लिया है 70 ग्राम। तो बस अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हमें लेना है मिक्सर जार और इसमें डाल देना है शक्कर और अंडा जो हम लोगों ने अभी नाप के लिया हुआ है। और अब हमें इसे अच्छे से पीसना है, ये लाइट और फ्लफ़ी होने तक इस तरह से पीस लेना है। तो बस अब इसे हमें डाल देना है उस मिक्सिंग बोल में जिसमें हम लोगों ने आटा रखा हुआ है। तो इसमें डालेंगे और साथ में इसमें डाल देना है नमक। तो मैंने यहाँ पे आधे चम्मच से थोड़ा कम नमक लिया है। एक चुटकी भर हमें बेकिंग सोडा डाल देना है और फ्लेवर के लिए एक चम्मच वनीला एसेंस। तो इसे अब मैं हल्का सा मिक्स करके ले रही हूँ और फिर इसमें डाल देना है हमें नारियल का दूध। तो नारियल का दूध हमें एक बार में पूरा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और रोज़ कुकीज़ का बैटर जो है वो थोड़ा थिक और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए, तो इस तरह से होनी चाहिए। तो ये हमारे रोज़ कुकीज़ के लिए बैटर परफेक्ट है, तैयार है। तो नाप के हिसाब से अभी 20 ml इसमें नारियल का दूध बाकी रह गया है। इसका मतलब हम लोगों ने 300 ml दूध इसमें डाला है इस बैटर में। और ये देखिएगा, मैं आप लोगों को अभी चम्मच से दिखा रही हूँ, ये बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से आप लोग देखिएगा होनी चाहिए। और एक लेयर जैसा इस चम्मच को बन रहा है ना, इस तरह से देखिएगा, तो इस तरह से एक लेयर बननी चाहिए चम्मच के पीछे साइड में। तो बस फिर हमारे रोज़ कुकीज़ बनेंगे परफेक्ट कुरकुरे, और आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो अभी हमें तेल गरम करके लेना है। तो मैं ले रही हूँ फ्राइंग पैन। आप लोगों के पास अगर डीप कढ़ाई हो तो आप लोग ले सकते हो ये कुकीज़ फ्राई करने के लिए। तो गैस को मैंने चालू करके उस पर रख दी है कढ़ाई, और फ्लेम को मैंने रखा है मीडियम टू लो, और तेल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में गर्म करने के लिए। और साथ ही में हम लोगों को उस तेल में रख देना है रोज़ कुकीज़ का मोल्ड ताकि वो भी गर्म हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पे साइड में प्लेट रेडी की है टिश्यू पेपर डाल के रोज़ कुकीज़ उसमें डालने के लिए। तो अब हमें चेक कर लेना है तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बैटर डाला है। अगर बैटर जल्दी से ऊपर आ जाता है बिना कलर चेंज हुए तो इसका मतलब है हमारा तेल अभी गर्म हो गया है। इस बैटर को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और ये जो मोल्ड है तो इसे हमें इस बैटर में डुबाना है। सिर्फ 3/4 इसका पार्ट ही डुबाइएगा, पूरा इसमें मत डुबाइएगा। फिर इसे इस तरह से निकाल देना है, और इस तेल में इस ये जो बैटर लगा हुआ है ना उतना ही हमें इस तेल में डुबोना है। इस मोल्ड को आप लोग इस तेल में मत रखिएगा, तो आपको हाथ से ऐसे पकड़ना है। और अगर ये कुकी अपने आप छूटती है तो ठीक है, अगर नहीं छूट रही है तो फिर आप लोग इसे छुरी से निकालिएगा, या फिर आप लोग चम्मच से भी निकाल सकते हो। और फिर से इस मोल्ड को हमें रख देना है इस कढ़ाई में ताकि वो गर्म ही रहे, और कुकीज़ को हमें गोल्डन होने तक ही इसे फ्राई करना है दोनों तरफ से। और जब इसके बबल्स कम हो जाएंगे तब समझ लेना कि कुकीज़ हमारी अच्छे से फ्राई होके तैयार है। तो अभी मैं दूसरा बना रही हूँ और देखते हैं ये अपने आप छूटती है या फिर नहीं। तो ये देखिएगा, ये जो कुकीज़ थी वो अपने आप ही छूट गई है इस मोल्ड से, और कितना सुंदर कलर आया है इस कुकी को, बहुत ही अच्छा लग रहा है गोल्डन कलर। और जब ना ये कुकीज़ तेल में होती है तो हल्का सा सॉफ्ट होता है, और जैसे हम लोग इस कुकीज़ को तेल से निकालेंगे तब ये अपने आप क्रिस्पी होने लगती हैं। तो बस इसी तरह से बाकी के भी हम लोग जो बैटर है उससे कुकीज़ बना लेंगे। ये वाला भी मोल से बहुत ही आसानी से छूट गया है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमें गोल्डन होने तक कुकीज़ को दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है।
तो बहुत ही आसान है ये रेसिपी, तो आप लोग इस रेसिपी को इस क्रिसमस में ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों की भी कुकीज़ बहुत ही परफेक्ट बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, और एक भी कुकीज़ जो है ना वो आप लोगों की बिगड़ेगी नहीं। तो बस इसे ज़रूर बनाइए। और बैटर अभी कम हो गया है तो मैंने इसे निकाल दिया है दूसरे थोड़े छोटे वाले बोल में, ताकि ये जो मोल्ड है वो डूबना चाहिए ना उसमें, तो इसीलिए। तो फिर से हम लोग इसे ऐसे डुबाएंगे और कुकीज़ निकालेंगे। मेरे बच्चों को तो कुकीज़ बहुत पसंद है, बिकॉज़ बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और मैंने बनाते ही बच्चों ने आधा कुकीज़ खा लिया तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो बस इस क्रिसमस में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अभी 4 कुकीज़ बनाने के लिए डाल दी है इस कढ़ाई में। तो जितने आप लोगों की कढ़ाई का साइज़ है उतना आप लोग कुकीज़ बना सकते हो। तो बस अब मेरी ये कुकीज़ बनके तैयार है, और मैं आप लोगों को अभी तोड़ के भी दिखाने वाली हूँ कि कितनी क्रिस्पी बन के तैयार है ये कुकीज़। ये देखिएगा, देखा ना इसका आवाज़। तो बस इसे बनाइए, खाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।